अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जेडे। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट इससे जो पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने पेपर स्टार्ट किया था सॉल्व करना, एलडीसी का जो पास पेपर है एफआईए डिपार्टमेंट का। तो इससे पहले वीडियो में हमने उसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, रिमेनिंग एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करते हैं। पहला है जी हमारे पास एमसीक्यूज, वार्स, वार ऑफ द रोजीज वार्स। तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सिविल वार इन इन इंग्लैंड। उसके बाद आई हमारे पास टू विच कंट्री डिड द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन बिलोंग्स। यूएन के जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी नॉर्वे। अच्छा जी, उसके बाद है जी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पुट इन अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन स्पेस अराउंड द अर्थ इज, तो वो क्या होता है? सेम रहता है एज ऑन द अर्थ, या स्लाइटली मोर थोड़ा ज्यादा होता है, या स्लाइटली लेस होता है, या रिड्यूस टू जीरो होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी कि वो रिड्यूस टू जीरो हो जाता है। चलिए उसके बाद है जी अंटिल दिसंबर 1991 डैश वर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द यूएसएसआर एंड नॉट इंडिपेंडेंट कंट्रीज बट हैड सेपरेट यूएन मेंबरशिप्स। तो कौन से दो कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर के पार्ट थे 1991 तक? तो वो एक है यूक्रेन है, बेलारस है। उसके बाद ये टू कंसीडर द लार्ज नंबर ऑफ एजेंडा आइटम्स जनरल असेंबली हैज हाउ मेनी मेन कमिटीज। जनरल असेंबली की मेन कमिटीज कितनी हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है जी सेवन, यानी कि जो मेन कमिटीज हैं जो एजेंडाज को लार्ज एजेंडाज को हैंडल करती हैं वो है सेवन। वाल्ट डिस्नी वाज, तो ये इसका ऑप्शन अगर दे, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, द क्रिएटर ऑफ कार्टून फिल्म स्टेरिंग पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर्स मिकी माउस एंड डोनाल्ड डक, द ब्रिटिश फिजिशियन नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ एडिसन डिजीज, या नन ऑफ दीज। तो ये जो है वाल्ट डिज्नी, ये क्रिएटर है कार्टून फिल्म के। उसके बाद ये द थर्ड क्रुसेड वाज लेड बाय, तो ये किसे? रिचर्ड वन ऑफ इंग्लैंड, फ्रेडरिक बारबरोसा ऑफ जर्मनी, फिलिप टू ऑफ फ्रांस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी ऑल ऑफ दी, मतलब ये लेड बाय रिचर्ड वन ऑफ इंग्लैंड, फ्रेडरिक बारबरोसा ऑफ जर्मनी एंड फिलिप टू ऑफ फ्रांस। तो हम ये लिख देते हैं
Philippe II of France. उसके बाद है जी, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन इज एन इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ, तो ये किस कंट्री की एयरलाइन है, ये आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद है ये, ट्रिपल एंटीजन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, तो इसका जो अगर देखे जाए तो डायफलेरिया, पोलियो, टेटनस, वूपिंग कफ। तो ये जो ट्रिपल एंटीजन प्रोवाइड है, ये एंटीजन है, ये किसके लिए अगेंस्ट, एज अ क्या कहते हैं उसको, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, टेटनस, वूपिंग कफ और डायफ्थेरिया, पोलियो के खिलाफ ये नहीं करती। तो उसके बाद है जी, वी चक्रा अ मेडल इज मेड अप ऑफ, तो ब्रोंज, गोल्ड, गिल्ड, अच्छा स्टैंडर्ड सिल्वर या नन ऑफ दीज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी स्टैंडर्ड सिल्वर। तो उसके बाद है जी, द टर्म यूज इन बिलियर्ड आर ब्लॉकिंग, हेल्ड बॉल, होल्डिंग, जम बॉल, पिवेट या टारगेट, फील्ड फ्लाइट या एक्सिलरी पॉइंट सिस्टम, रैबिट पंच, ब्रेक, कट। डी पर है जी हमारे पास ऑप्शन के, ब्लैंक लाइन, ब्रेक, बोल्टिंग, कैनन, क्यू, हैजर्ड। तो ये जो है जी हमारे पास आखिरी ऑप्शन है जी, क्या ब्लैंक लाइन, ब्रेक, कैनन, क्यू, हैजर्ड। उसके बाद ये थर्ड हाईएस्ट नेशन अवार्ड गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन एनी फील्ड इज, तो ये है जी पद्मा भूषण। तो उसके बाद ये ट्रॉफीज एंड कप्स अवार्डेड फॉर क्रिकेट आर, क्रिकेट के लिए कौन सी ट्रॉफी या कप्स अवार्ड किए जाते हैं, वो है मैकडोवेल चैलेंज, चैलेंज कप एंड वर्ल्ड कप, फेडरेशन कप या मोइनुद्दीन दोला कप एंड बी डॉट सी गुप्ता कप। तो क्रिकेट के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं, एक तो मैकडोवेल चैलेंज कप और दूसरा होता है वर्ल्ड कप। उसके बाद ये वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेयर्ड बाय, वेलोसिटी ऑफ लाइट को फर्स्ट टाइम किसने मेयर किया था, वो है जी वोमर। उसके बाद ये टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, कितने जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो टोटल नंबर हैं जी 15 जजेस। उसके बाद द टर्म स्टीवलेस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो ये है जी बॉक्सिंग, चेस, रोइंग या हॉर्स राइडिंग। तो ये जो टर्म है स्टीवलेस, ये है जी हॉर्स राइडिंग के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद है जी, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सडन फॉल ऑफ अ गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट बाई इलीगल फोर्स इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं क्रेडिट स्क्वीज, डेफिसिट फाइनेंसिंग और डिफ्लेशन, तो ये है कहलाई जाती है जी डिफ्लेशन। उसके बाद है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अंडर नॉर्मल कंडीशन इज, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है एयर में, 343 मीटर पर स्क्वेयर, मीटर पर सेकंड, सॉरी।
उसके बाद थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म वाज एक्सपोज्ड बाय, तो ये किसने एक्सपोज की थी, ये जी जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, हेनरी सुविक, या के ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो ऑल ऑफ दीज आता है, तो हम सारे नाम को मेंशन कर देते हैं ताकि कोई भी एमसीक्यूज हमारे पास आए किसी में सिर्फ एक नाम मेंशन हो तो हम उसको फिल कर सकें। सेडविक, उसके बाद हम हर देखते हैं जी उत्तर प्रदेश इज सराउंडेड बाय डैश इन नॉर्थ, उत्तर प्रदेश को नॉर्थ में किसी से सराउंडेड है, तो वो देखते हैं उत्तराखंड। उसके बाद हम देखते हैं वेंटूरी ट्यूब इज यूज फॉर मेयरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स, मेयरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेयरिंग डेंसिटी, या के मेयरिंग फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वेंटूरी ट्यूब के लिए यूज होती है जी मेयरिंग फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। उसके बाद हम देखते हैं द टर्म बटरफ्लाई इज एसोसिएटेड विद कबड्डी, स्विमिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, तो ये एसोसिएटेड है जी स्विमिंग के साथ। उसके बाद ये द ट्रांसपोर्ट फ्लीट ऑफ एयरफोर्स कंसिस्ट ऑफ IL-765, Boeing 731, AN-352, तो ये या के ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर है जी करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। तो हम यहाँ सारे लिख लेते हैं IL-765, दूसरे नंबर पर है जी Boeing 731, और तीसरे नंबर पर आता है जी AN-352। उसके बाद ये द टेलीस्कोप इज यूज फॉर विंग, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को देखने के लिए यूज होती है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए, नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, या लिविंग सेल्स के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इसको टेलीस्कोप को यूज किया जाता है। ये थे जी LDC का जो पेपर हमने डिस्कस किया करना स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, उसके कुछ MCQs रह गए थे, वो हमने कहा था दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, उसके रिमेनिंग MCQs हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।